हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, विदेश की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और यही यूक्रेन जो दोस्तों हर एक प्लेटफार्म में भारत का विरोध करता आ रहा था, चाहे भारत को वीटो पावर दिलाने की बात हो, चाहे भारत का कोई UNSSC के अंदर कोई भी प्रस्ताव हो जिसमें भारत ने पाकिस्तान या चीन के ऊपर कोई कार्यवाही करने की बात कही हो, तो यूक्रेन ने हमेशा से ही पाकिस्तान और चीन का समर्थन है। और आज रूस यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से दोस्तों यूक्रेन की अकल ठिकाने पर आ गई है और भारत की शरण में आने के लिए तैयार है, क्योंकि अब यूक्रेन भी जान चुका है कि उसे अब बस भारत ही बचा सकता है और कोई भी देश नहीं। और अभी हाल ही के वक्त में दोस्तों भारत G20 मीटिंग को होस्ट कर रहा है और हमारा भारत G20 की बैठक में यूक्रेनी अधिकारियों को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है और इसी बात से यूक्रेन के अफसरों में काफ़ी ज़्यादा अफड़ा तफड़ी मची हुई है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि अगर उसे रूस के गुस्से से बचना है तो उसे किसी भी हाल में भारत में हो रही G20 मीटिंग को होस्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर किसी तरह से मीटिंग में समिट करने का मौका मिल जाए तो यूक्रेन समिट में यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की युद्ध के विषय में ज़रूर से यह मुद्दा उठाएंगे और इस मीटिंग में यूक्रेन अपनी जगह बनाने के लिए यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन जापरोवा को भारत के दौरे पर भेज दिया है। और उन्होंने दोस्तों दौरे के आने के दौरान ही उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारत इस वर्ष G20 समिट को होस्ट कर रहा है और इसी समिट में हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भारत की G20 समिट में सम्मिलित होने की ख्वाहिश जता रहे हैं। अब दोस्तों इसमें तो सीधे सीधे जियोपॉलिटिक्स बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भारत की G20 मीटिंग ही युद्ध को रुकवा सकती है, क्योंकि रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र है। जब पिछले साल जब युद्ध शुरू हुआ था तो भारत के कई नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे और तब दोस्तों भारत के ही कहने पर युद्ध को रूस ने 6 घंटों के लिए रोक दिया था। जब युद्ध 6 घंटे के लिए रुक सकता है और हमेशा के लिए भी रोकने की क्षमता भारत भरपूर रखता है। हालांकि दोस्तों यूक्रेन के इस प्रस्ताव को लेकर भारत ने साफ साफ यूक्रेन को कह दिया है कि इस हो रहे G20 सम्मेलन में विदेशी अतिथि की जो जानकारी है उसकी लिस्ट पहले ही बन चुकी है एवं उनकी जरूरी चीज़ों की व्यवस्था भी पहले से ही भारत के अंदर की जा चुकी है। और ऐसे में अचानक से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए G20 सम्मेलन में हिस्सेदारी करना मुश्किल सा हो गया है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, यूक्रेन की चालाकियां जानने के बाद भी क्या हमें यूक्रेन की सहायता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।